हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एल्कीन्स एंड एल्काइन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन्स और एल्काइन्स में खास बात यह होती है कि दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी आर इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर बेसिकली जो पूरा चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक को हम कहते हैं एल्कीन और दूसरे को कहते हैं एल्काइन। एल्कीन उसे कहते हैं जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। वेरे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं HCnH2n-2। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अभी जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर है, वो एल्कीन्स के ऊपर है। तो आज हम लोग एल्कीन्स स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जैसे एल्कीन्स खत्म होगा उसके बाद हम लोग फिर एल्काइन्स के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो एल्कीन्स है इसमें कुल मिला के हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा हमें पढ़ना है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। चौथा हमें पढ़ना है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं बोल के केमिकल रिएक्शंस बोल देता हूँ, केमिकल रिएक्शंस। और पांचवा पढ़ना है इसके यूजेस। तो कुल मिला के ये पांच टॉपिक के अंदर हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आ रही है, वापस से मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से ये दूसरी शीट है जहाँ पर हम लोग एल्कीन्स एंड एल्काइन्स देख रहे हैं, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके फिर हम लोग जैसे यहाँ से पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, उसने बताया। उसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो ये है कि अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, 3। तो ये कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा। और इसका जो नाम लिखते हैं उसमें क्या सफिक्स यूज करेंगे, इन सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, sp2 होने के कारण ये एक प्लेनर कंपाउंड है, ये क्या है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये क्या है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और एंगल उसके बीच का कितना होता है, 120 डिग्री, बिकॉज ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन नोमेनक्लेचर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, नोमेनक्लेचर कैसे आप करते हैं, डाई इन कंपाउंड्स, मोनो इन कंपाउंड्स, इन में कैसे नाम देते हैं, किसको प्रायोरिटी मिलती है, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखा है। याद होगा अगर किसी कंपाउंड में डबल डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आप किसको प्रेफरेंस देते हैं, डबल बॉन्ड बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। तो नोमेनक्लेचर वगैरह में मैं ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधे आगे बढ़ता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, देखें 11.3 पर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है 3 sigma 1 pi बनेगा, दिखाई दे रहा है, दे रहा 3 sigma and 1 pi बॉन्ड। तो 3 sigma 1 pi बॉन्ड बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और स्ट्रक्चर वगैरह सारा ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होती है और स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। देन आइसोमेरिज्म, तो ऑब्वियसली इसका आइसोमेरिज्म भी हमने देख रखा है, देर आर वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सच एज सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिन स्ट्रक्चर होता है और एंटी स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये सारा हम लोगों ने देख रखा है, और ये भी मैंने देखा था, ये भी मैंने कहा होगा जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे कि ट्रांस आइसोमर इज ऑलवेज स्टेबल देन
सिस आइसोमर, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, बिकॉज म्यूचुअल रिपल्शन वहां पे मिनिमम होता है, द रिपल्शन इज मिनिमम। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपकी हो गई। डायरेक्टली जो कंटेंट हमें जाना है जिसके ऊपर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स 11.5, पेज नंबर 11.5 पर आप देखें, आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो यानी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में लगभग सारी बातें आपको समझ में ऑलरेडी आ चुकी है, व्हाट आर दी वेरियस करेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के ऊपर। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन को पढ़ने के लिए पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या टाइप से आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ना है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आपको लग गया, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है इसका भी ज्ञान आपको हो गया है। देन वील मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एल्कीन की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। और हमें जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है उसको, जैसे कि हमने एल्केन में पढ़ा था उसी प्रकार से हम लोग यहां पर भी उसका एक टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, लिखना है फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से कैसे आप बनाते हैं ये एल्कीन। सेकेंड है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। थर्ड इज फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। फोर्थ इज फ्रॉम एल्कोहल। चार हो गया। तो यही चार मेथड से आप लोगों को क्या करना है, ये प्रिपेयर कराना है। आपकी शीट में बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, इनमें से हमें सिर्फ कौन कौन से देखने हैं, चार देखने हैं। तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा इसमें आपको देखना है। अब देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है ये वही हो गया जो हम लोगों ने ये चौथा वाला देखा। तो आपकी शीट में सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है, फ्रॉम एल्कोहल दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट नंबर पर यही वाला दिया हुआ है। सेकेंड नंबर जैसे ही आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर में आपको दिखाई देगा पेज नंबर 11.9 पे फ्रॉम एल्काइन्स दिखाई दे रहे हैं। 11.9 पे आपको दिख रहा होगा फ्रॉम एल्काइन्स, तो हम लोग फ्रॉम एल्काइन्स देखेंगे। फिर पेज नंबर 11.11 में देखिए फ्रॉम अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल्स हो गया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड के अंदर ही मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा विसिनल डाइहलाइड से कैसे बनाते हैं। पेज नंबर 11.13 में देखिए डीहैलोजिनेशन करके एक टॉपिक दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, दैट इज विसिनल डाइहलाइड। वहां पे विसिनल डाइहलाइड से कैसे हम लोग निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो यही चार मेथड आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो यानी आपको 11 जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से 11.13 तक आपको लेकर आना है, क्लियर। ये चार रिएक्शन आपको देखने हैं, शीट के हिसाब से ही चलते हैं। शीट में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, शीट में सबसे पहला दिया है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से कैसे आप ये निकालते हैं। अब देखिए एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी रिएक्शन को पहले देखते हैं और फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मिटा दूं, कुल चार ही मेथड आपको देखने हैं। पहला है फ्रॉम एल्कोहल, या मैं बोलूं फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो फर्स्ट इज फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखिए कैसे डिहाइड्रेशन होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड रिएक्शन अगर मैं देखूं, R C ऊपर लगा H, नीचे लगा OH, यहां पर लगा है CH, इधर भी H और यहां पर भी H, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द एसिड एंड हीट। कोई भी एसिड आप डाल रहे हैं, साथ में आपने क्या डाल रखा है, हीट डाल रखा है। होगा क्या, यहां से OH और यहां से H मिलकर क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, और ये बन जाएगा आपका R C। ऊपर जैसा H लगा हुआ था वो तो है ही, एक बॉन्ड बना था, दूसरा बॉन्ड बन गया, इधर H, और इस प्रकार से यहां H बन गया और साथ में आपको क्या मिल गया,
पानी मिल गया, ये जो रिएक्शन इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी का जुटना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकल जाना। तो चूंकि पानी का निकल रहा है पानी यहां से, और अल्टीमेटली एल्कोहल इज कन्वर्टेड इंटू एल्कीन, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। यही रिएक्शन आपके वहां पे दिया हुआ है। देखिए वेरियस डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको वहां पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। ये जो एसिड है इसके एसिड हीट के जगह पर इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे उसने कहा कि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 एट टेम्परेचर ऑफ 443 से 453 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर भी ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। आप वहां पे फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हैं 470 पर, ये भी एसिड हीट की तरह बिहेव करेगा। L2O3 प्लस एट 633 केल्विन, ये भी एसिड की तरह बिहेव करेगा। P2O5 या P4O10 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, इसको भी हीट दीजिएगा, ये भी आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा। या KHSO4 को भी आप हीट करेंगे तो भी करेगा, और POCl3 को पाइरिडीन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो भी आपका, ये सारे के सारे जितने भी दिए हुए हैं वो क्या बनेगा, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इनमें से कोई भी डाल दीजिएगा तो ये रिएक्शन यहां से यहां पहुंच जाएगी। डन। अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए कि मैं बोलूं किस पर्टिकुलर रिएक्शन में बड़ी आसानी से ये आगे की ओर प्रोसीड करेगा। तो मैं चार यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है कहां सबसे आसानी से रिएक्शन होगी। यह है सी एच, एच इधर, एच ओ एच और एच है। सेकेंड केस बोल रहा हूं सी एच थ्री सी, इधर भी सी एच थ्री, कार्बन एच 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 और ओ एच। थर्ड केस है जहां पे ये भी सी एच थ्री है, दिस इज ऑल्सो सी एच थ्री, दिस इज ऑल्सो सी एच थ्री, दिस इज एच, दिस इज एच एंड दिस इज एच, एंड द फोर्थ वन इज ऑल आर सी एच थ्री। सारे के सारे क्या हैं, सी एच थ्री हैं। ये भी सी एच थ्री, ये भी सी एच थ्री, यहाँ पर लगा है एच और यहाँ लगा है ओ एच। सब में एक ही कंडीशन है, जो कंडीशन आपने देखा हुआ है, जो कंडीशन आपने देखा है, पहला क्या डाला आपने, एसिड, और साथ में आपने क्या डाल दिया, हीट। पहला डाला आपने एसिड, साथ में क्या डाल दिया, हीट। पहला डाला आपने एसिड, साथ में डाल दिया हीट। पहला डाला आपने एसिड, साथ में डाल दिया हीट। व्हाट इज द रेट एट विच दिस रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर, अच्छा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट तो सबसे आसान है, क्या करना है, ऐसे करके यहां से क्या निकाल लीजिए, पानी निकाल लीजिए, ऐसे करके यहां से क्या कर लीजिए, पानी निकाल लीजिए OH, ऐसे करके यहां से क्या कर लीजिए, पानी निकाल लीजिए, और ऐसे करके यहां से पानी निकाल लीजिए। तो पानी निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच, साथ में इसके क्या मिलेगा, वाटर। सिमिलरली इसका रिएक्शन क्या होगा, सी एच थ्री सी ऊपर सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच एच, साथ में क्या मिलेगा, पानी। यहां पे लिख लेगा सी एच थ्री सी ऊपर सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच प्लस वाटर, और लास्ट वाले में क्या निकलेगा, सी एच थ्री सी ऊपर सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री, यहां भी सी एच थ्री, और साथ में आपको क्या मिलेगा, पानी। प्रोडक्ट तो सारे बन गए, पर मेरे को बताइए कि सबसे आसानी से प्रोडक्ट कहां बन रहा होगा, लास्ट वाले में। रीजन क्या है, इसको अगर मैं देखूं तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हैं, चार। अल्फा कार्बन अगर चार हैं तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो इसके 12 कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एज देयर इज 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे आसानी से रिएक्शन, ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की रिएक्शन सबसे आसानी से कहां देखने को मिलेगी, इसमें, फिर इसमें, फिर तो प्रोडक्ट बनाने के बाद जो प्रोडक्ट है वो अगर स्टेबल बन रहा है तो ही वो ज्यादा आसानी से रिएक्शन होगा। और ये किस कॉन्सेप्ट से हमने इसको स्टेबल बताया, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे 12 अल्फा हाइड्रोजन से बन रहे हैं, यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन से बन रहे हैं, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन से बन रहे हैं, और यहां पर 3। जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना स्टेबल कंपाउंड होता है। लॉजिक क्लियर है, डन। चल तो मेरे ख्याल से ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल समझ में आ गया।
सेकेंड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्काइन्स, फ्रॉम अल्काइन्स। अच्छा, यहां पर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, पेज नंबर 11.7 पे देखिए, वहां पे लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन। तो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन को समझने के लिए एक बार आपको ना मैकेनिज्म को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो लॉजिक क्लियर है, रिंग एक्सपेंशन लास्ट क्लास में भी रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन में आप लोग को थोड़ा सा डाउट आया था, मैंने कहा था जब एल्कीन पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। तो इस पूरे को मिटा दूं, समझ में आ गया ये पूरा। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को चेक करते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती होगी, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि वाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन। होता क्या है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये सपोज करिए आपका कंपाउंड है R C H, इसके ऊपर H कार्बन, OH H, यहां पर भी H लगा हुआ है, और साथ में क्या है एसिड है, यहां पर कोई तो एसिड होगा। इसका जो लोन पेयर है वो सबसे पहले आकर इस H प्लस को क्या करता है, अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप यही होती है कि ये H प्लस को आके क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही ये H प्लस को अटैक करेगा आपके पास सिस्टम में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आपके पास सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाएगा A माइनस, और साथ में एक हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे जरा ध्यान से देखें, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा रिएक्शन तो आपके पास क्या बनेगा, R C ऊपर H नीचे H, कार्बन इसके ऊपर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, और आपके पास और क्या बचा हुआ है सिस्टम में, ए माइनस बचा हुआ है। कोई दिक्कत? अब मुझे बताइए क्या संभव है कि ऑक्सीजन अपने ऊपर एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रख सके, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख सकता है क्या, क्वेश्चन मार्क। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा तो ये रिएक्शन कैसे होगी, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ए माइनस इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये ए माइनस है तो ये एच होके निकल जाएगा, और ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, इधर, और ये बॉन्ड बाहर निकल गया। तो इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, आर सी ऊपर एच, इस ए और एच मिलकर यहां पर प्लस ए एच लिख दू, एच ए लिख देता हूं, ये एच ए निकल गया यहां से, माइनस हो गया, ये ए माइनस और ये एच प्लस निकल गया, ये एच प्लस हुआ तो यहां पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज सोएगा तो ये कार्बन के पांच बॉन्ड हो गए, अब ये पांच बॉन्ड तो नहीं बना सकता तो एक को किसी को छोड़ना होगा, ये किसको छोड़ेगा, ये बोलेगा ठीक है अगर आपका ऑलरेडी पांच हो गया है तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है मैं तो पॉजिटिव रखूंगा नहीं, ऐसा करते यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर मैं निकल जाता हूं, मैं पानी बन के निकल जाऊंगा। तो यहां पर ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, यहां आ गया एच, और इधर भी क्या आ गया एच, साथ में क्या मिला एच टू ओ प्लस एच ए तो मिला ही, तो एच ए तो यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, आपने एच ए डाला था आपको एच ए वापस मिल गया, तो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अब मुझे ये समझ में आएगा कि ये जो वॉटर निकला है, हम लोगों ने जो शॉर्ट ट्रिक यूज किया था उस केस में हमने कैसा देखा था, एक तरफ एच, यहां पे एच, यहां एच, यहां एच और यहां एच, और आपने ऐसे करके पानी निकाल लिया था, ध्यान है, पर एक्चुअली में पानी ऐसा नहीं निकल रहा है। ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन एच के साथ यहां पर क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो ये वॉटर इसके एसिड के हाइड्रोजन से निकल रहा है ना कि बाजू वाले से, ठीक है, चूंकि हाइड्रोजन दोनों सेम है तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप यहां से पानी निकाल लिया और बाद में फिर जो ए माइनस बचा वो दूसरे वाले से एच लेकर निकल जा रहा है और आपके पास क्या बन गया, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। एक मिनट एक मिनट, हाँ फिर से, पहले कार्बन की हाइड्रोजन पे आप क्यों अटैक कर रहा है, वो तो सेकंड यहां पे इस तरफ क्यों नहीं कर रहा, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसको चाहिए H+,
H प्लस ये बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये तो ऐसे हाइड्रोजन को ढूंढ रहा होगा जो बड़ी आसानी से निकाला जा सके, तो यहां तो ऑलरेडी अनस्टेबल पार्ट है, अनस्टेबल पार्ट से तो नहीं लेगा, तो स्टेबिलिटी की ओर वो बढ़ता है, इसलिए ये इस वाले हाइड्रोजन से लेगा। तो यहां पर जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखा था, वहां पे आप OH कैसे निकाल रहे हैं, एक पर से OH और एक पर से H, एक्चुअली हुआ भी वही है, एक पर से OH हटा है और एक पर से H हटा है, लेकिन वाटर जो बना है वो OH और एसिड के H से मिलकर बना है, वेरेज ये वाला H जो है वापस से एसिड के साथ जुड़कर HA बना लिया है। कहानी समझ में आ गई? तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म देखने से आपको क्या समझ में आता है कि किस प्रकार से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। अब जहां से OH निकला है, OH जहां से निकलेगा वहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा, कार्बन का टाइम, क्यों? जब यहां से OH निकल जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई OH अगर निकल रहा है तो मैं ये बोलूंगा ना कि OH अगर निकला होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तब ना ये OH माइनस हुआ होगा। अगर ये ये कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है और अगर वहां पर इससे ज्यादा स्टेबल कार्बन कैटायन बनने की संभावना है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा। यही चीज होता है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं से पैदा होता है। 11.7 पर जाएं, पेज नंबर नीचे देखें, रीअरेंजमेंट रिजल्ट्स इन द सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रीअरेंजमेंट से क्या क्या चीजें संभव हो पाती है, चार चीजें संभव हो पाती है, या तो वहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या एलिमिनेशन हो सकता है, या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन केस ऑफ साइक्लिक अल्कोहल, खास करके किसके केस में, इन केस ऑफ साइक्लिक अल्कोहल, व्हेनेवर अ कार्बन कैटायन इज फॉर्म्ड आउटसाइड द नेक्स्ट कार्बन एटम ऑफ अ रिंग, रिंग एक्सपेंशन मे टेक्स प्लेस इफ रिलीफ विद द रिंग स्ट्रेन ऑकर। कह रहा है कि रिंग एक्सपेंशन तभी संभव है जब एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, यानी 90 डिग्री था, याद है कल ही पढ़ा रहा था, शायद नहीं बताया था, कोई बात नहीं अभी बता देता हूं, अच्छा 12th में बताया था। ये लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए ये मैकेनिज्म को ध्यान रखना है ताकि आपको ये पता चले। वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट तो यही है कि जहां पर एल्कोहल और एच है दोनों को अगल बगल से निकाल दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब ना मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं और यही एग्जाम्पल से मैं आपको क्या करूंगा, पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। इसमें ना आपको क्या करना है, पानी ऐड करना है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, वाटर ऐड करना है। जरा ध्यान से सोचना है, पानी ऐड होने का नियम जो है, मैंने आपको बताया मार्कोनिकोफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां आप क्या डाल देना, हाइड्रोजन डाल देना, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर आप दूसरा कोई ग्रुप जो है वो डाल देना। ऐसे में थोड़ा समझना मुश्किल है, मैं इसको थोड़ा सा इस वाले तरीके से लिख देता हूं ताकि थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। ये और ये एक ही लिखे मैं, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों एक ही चीजें लिखी हुई हैं। कोई दिक्कत, ये एक ही चीज। अब पानी जब ऐड होगा तो पहले हम पानी को लिखेंगे कैसे, जरा वो ध्यान से देखें। पानी को आप लिखेंगे HOH की तरीके से, ये बॉन्ड टूटेगा, एक पर प्लस एक पर माइनस। अब ये बॉन्ड टूटने के दो उपाय हैं, या तो इस तरफ होकर टूट जाए या इस तरफ होकर टूट जाए। ये क्या होगा, इस तरफ होकर टूटेगा बिकॉज इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अगर इसका उल्टा होता, यहां पर आया होता पॉजिटिव, यहां आया होता नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आया होता तो ये 1 डिग्री होता और यहां पर कितना है, 2 डिग्री है। मैंने आपको बताया होगा 3 डिग्री कार्बन कैटायन इज ऑलवेज स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री है 1 डिग्री से, तो पॉजिटिव किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। जहां पॉजिटिव बना, जहां नेगेटिव, तो नेगेटिव जहां बना है उस पर वो किसको आके अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को अगर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन यहां लग गया, फिर आपके पास क्या प्रेजेंट है, OH माइनस, तो OH माइनस कहां आके लग जाएगा, यहां आके। तो सबसे पहला प्राइमा फेस, मतलब सबसे पहले देखकर ऐसा लगता है कि जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि यहां पर क्या लग जाए, OH लग जाए, ये आपका आंसर होना चाहिए। पर ये इसका आंसर नहीं है, उसका रीजन क्या है हम लोग समझते हैं। हुआ क्या है, अब पहले स्टेप पर यहां पर पॉजिटिव आ गया है और ये H इस पर ऐड हो गया। अब ये जो पॉजिटिव है ये देखेगा कि
कि क्या मैं इससे भी ज्यादा स्टेबल जगह पर जा सकता हूं क्या। तो इसके बाद वाला जो कार्बन था ये वाला, क्या उसमें एक एच है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, तो ये क्या करेगा पॉजिटिव को इधर दे देगा और एच यहां लग जाएगा, तो अब ये क्या हो गया, ये बन गया। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये था 2 डिग्री कार्ब कैटायन और ये हो गया 3 डिग्री। स्टेबिलिटी में सबसे आगे कौन है, 3 डिग्री। तो इस हिसाब से जो मेरा अब आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, यहां पर क्या लग जाए, OH लग जाए। दिस इज ऑल्सो सेकेंड पॉसिबिलिटी, पर ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इससे बाद एक और पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज दैट पॉसिबिलिटी, उसको समझते हैं। समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करते हैं। अब यहां पर वापस से मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, जब मैं 2 डिग्री 3 डिग्री देख रहा था, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन। क्यों रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, देखिए वहां लिखा है, रीअरेंजमेंट रिजल्ट्स इन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो चूंकि चार मेंबर्ड रिंग है तो चार से ज्यादा स्टेबल पांच मेंबर्ड रिंग होता है, इसलिए वो चार से पांच की ओर जाएगा। ये बोले थे कि नहीं बोले थे कि चार से ज्यादा पांच होता है। रीजन, इसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और जब भाई पांच होगा तो इसका एंगल हो जाएगा 110 के आसपास, 108 के आसपास। ओरिजिनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल होता कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर 108 हो रहा है तो 90 से तो बेटर है। तो ये सोचेगा कि मैं पहले अपने एंगल को क्या कर दूं, रिलीज कर दूं। एंगल कंस्ट्रेंट को रिलीज करने के लिए ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा उसको जरा ध्यान से देखें। ये बॉन्ड टूटेगा कुछ इस प्रकार से। कैसे टूटेगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर बॉन्ड टूटा, मैंने बॉन्ड को तोड़ दिया, इसके ऊपर आया नेगेटिव और इसके ऊपर आया पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। एक नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब जरा ध्यान से देखिए, और ये पॉजिटिव भी अब खत्म हो गया और ये नेगेटिव भी खत्म, बिकॉज एक बॉन्ड बन गया तो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, और आपका जो पॉजिटिव था वो कहां शिफ्ट कर गया, यहां। अब जरा ध्यान से देखिए, एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, चार नंबर कार्बन और ये पांच नंबर। तो ये कितने मेंबर रिंग बन गया, 5 मेंबर रिंग। ये बॉन्ड डिलीट हो गई, अब ये नया। तो इसको ऐसा ना बना के मैं ऐसा बनाता हूं, पेंटागन बना दिया। एक नंबर पर क्या लगा हुआ है, CH3। दो नंबर पर पॉजिटिव चार्ज और तीन नंबर पर ये ग्रुप लगा हुआ था, बाकी तो एज इट इज है। अब यहां पहुंचने के बाद रिंग एक्सपेंशन हो गया, बिकॉज अब कंपाउंड रिलेटिवली पहले से क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल। बिकॉज 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 5 मेंबर रिंग। अब कंपाउंड रिलेटिवली पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया, लेकिन अभी ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर प्रेजेंट है, इसके बगल में दोनों जगह 3 डिग्री प्रेजेंट है, तो ये वापस से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, 3 डिग्री जाएगा। तो अब इस बार दोनों ऑप्शन है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। फिर ये चेक करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है CH2CH3 और ये लिखा हुआ है CH3। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट। ये भी कौन सा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट। किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसके बाद दो नंबर दो कार्बन है, तो पॉजिटिव चार्ज उधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट कर गया, यहां। और तब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तब आपका फाइनल प्रोडक्ट बना इधर CH3, इधर दिस, इस पर लगेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, रिंग एक्सपेंशन क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है ये भी समझ में आ गया, कब कब 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा ये देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टफ सवाल है, आसान सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पर ये मेडिकल नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपको, पर ये पता होना चाहिए कि ऐसा कहां हो, कहां कहां पर हम उसे चेक करना है, उसी को सिखाने के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक को जरा आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अब यहां पर रिंग एक्सपेंशन क्यों होगा उसको चेक करते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन कहां कहां होता है, जब जब मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन ही ना इंटरमीडिएट बना है, तो रिंग एक्सपेंशन वहां वहां पे संभव है। मिटा दूं इसे, ये अच्छा सवाल है, पर ये आपकी शीट में नहीं है, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। हाँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि अब ये पॉजिटिव चार्ज को और कहां ले जा सकते हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री पर था,
अगर आप इसको यहां लेकर जाते तो ये 1 डिग्री हो जाता। तो अगर 6 मेंबर रिंग बनाना होगा तो ये बॉन्ड टूट के यहां जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज यहां होना चाहिए, पर पॉजिटिव चार्ज अगर देख रहा है इस तरफ 2 डिग्री है उधर 1 डिग्री है, तो उधर क्यों जाएगा, वो तो इधर ही आएगा। तो इसलिए रिंग एक्सपेंशन होकर पॉजिटिव इधर शिफ्ट कर रहा है। क्लियर? इसे जल्दी से कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? डन। तो ये ध्यान रखना है कि कहां पर कहां कहां कैसे कैसे बढ़े थे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे गलत ऑप्शन भी बनाए थे, पर मैंने अभी जो पूरा बनाया हुआ है ये पूरा सही सही बनाया हुआ है, और इससे डायरेक्टली वाटर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा, वो आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? चलिए, पर हम ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था दिस वॉज एडिशन रिएक्शन, पर मैं बस इसमें यह सिखाना चाहता था आपको कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। अब जो मैं दिखाऊंगा वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराएंगे और उसके अंदर रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, पर ये रिंग एक्सपेंशन सिर्फ सिखा रहा था कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया है कि हाउ एक्चुअली रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। अब देखते हैं, देखें आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल, आपने ये साइड पेंटेन है, उस पेंटेन पर आपने यहां पर OH लगा रखा है, यहां पे आपने एसिड डाला है जो कि हम ऑलरेडी डाल रहे थे अभी तक के सारे रिएक्शन में, और साथ साथ सेकंड में आपने क्या डाल दिया, हीट डाल दिया, यही कर रहे थे ना अभी तक, एसिड और हीट डाल रहे थे। एसिड और हीट डाल के आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो एसिड और हीट डाल के प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इसको पहले ना मैं CH2 वाले उस फॉर्मेट में लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, कि अभी तो आपको यही नहीं दिख रहा होगा कि ये हो है क्या। तो इस प्रकार से ये CH2, ये तो ऐसा हो गया, ये CH2 और इस पर क्या लगा हुआ है, OH लगा है। सिंपल, अभी तो यही कंपाउंड है, इसमें आपने क्या डाल रखा है, एसिड और हीट। अब ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट कर सकता है, पर पॉजिटिव चार्ज अगर यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव यहां से यहां आ जाए और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, मिथाइल बन जाएगा। पर यहां पर जब पॉजिटिव आएगा तो ये कौन सा डिग्री था, 1 डिग्री, और ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। ऑब्वियसली 1 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, पर हम लोग ये भी सेकेंड पॉसिबिलिटी भी चेक करना है कि खाली पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां नहीं पहुंचाना है। इफ पॉसिबल अगर रिंग एक्सपेंशन संभव है तो वी मस्ट गो फॉर रिंग एक्सपेंशन, बिकॉज डिग्री से ज्यादा स्टेबिलिटी इसको मिलती है रिंग एक्सपेंशन से। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, कौन सा बॉन्ड टूटे, ये वाला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूट गया, सिस्टम में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब जरा गिनिए कितने कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी मेरे पास जो इंटरमीडिएट बना वो क्या बन गया, एक 6 मेंबर्ड रिंग बना, और उस 6 मेंबर्ड रिंग पर किसी एक पर आप पॉजिटिव डाल दें, यही कंपाउंड बना हुआ है। जब कभी भी ऐसा कंपाउंड बन रहा है बाकी सब जगह क्या लगा हुआ है, H, 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 H। अब ये पॉजिटिव है, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यहां पर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? ये देखिए वहां पर लिखा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपने क्या किया, रिंग एक्सपेंशन किया, रिंग एक्सपेंशन करते ही अगले स्टेप में एक ना H प्लस आयन निकाल लिया, एक H प्लस आयन हटेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? ये लॉजिक क्लियर है? तो ये रिंग एक्सपेंशन का केस है। कैसे ये हुआ समझ में आया, ये लास्ट स्टेप समझ में आया, यहां पे आपके पास पॉजिटिव था और यहां पर H था, अगर यहां से मैं H प्लस निकाल लूं, H प्लस निकलेगा तो यहां कौन सा चार्ज पैदा होगा, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, यही हो गया, ये बॉन्ड बन गया
और ये तो आप अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट टॉपिक यू आर रीडिंग? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हुआ ना फ्रॉम एल्कोहल. एल्कोहल से एल्कीन तो बना रहे हैं पर साइक्लिक एल्कीन बनाए हैं, पर बना तो एल्कीन ही है. एक और सवाल उसके नीचे दिया हुआ है, उसको भी चेक करते हैं. बेटा दो इसे, इसके नीचे एक और सवाल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा. ये सवाल है, पेंटागॉन दिया है, इस पर एक एमी लगा हुआ है, प्लस यहां पर एक एमी है और इसके ऊपर OH लगा हुआ है. क्लियर? यही है. ध्यान से देखिए इस केस में क्या होगा. यहां से OH निकलेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव. अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव आ गया एसिड और दूसरा क्या है हीट, जो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, ये देख रहा बाजू में एक पॉसिबिलिटी है कि आई कैन बिकम 2 डिग्री से 3 डिग्री. देख रहे हैं, ये अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, ये तो पूरा मतलब टर्शियरी हो जाएगा, मतलब 3 डिग्री से भी ज्यादा. पर यहां पर ये आने से पहले चेक करेगा क्या मैं रिंग को एक्सपैंड कर सकता हूं. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिंग एक्सपेंशन संभव है. ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव. इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव जहां एक साथ दिखाई दिए वहां क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन. अभी आपके पास जो बना वो क्या बन गया? एक सिक्स मेंबर्ड रिंग जिस पर एमी लगा हुआ है उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बाजू वाले कार्बन के ऊपर भी एमी लगा हुआ है. क्लियर? इसके टोटल कितने बॉन्ड है? 1, 2, 3. यानी एक हाइड्रोजन यहां होगा. अगर यहां से H प्लस होकर निकल गया तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज देगा? नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा. क्लियर? तो ये रिंग एक्सपेंशन वाले सवाल बहुत ही यूनिक सवाल होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं जो इतनी आसानी से नहीं बनते. अल्कीन बना रहा है. हाँ, जब 5 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर रिंग बनेगा. और मतलब एक अरोमेटाइजेशन रिएक्शन तो पढ़ाए थे जहां पर नॉर्मल चेन रिंग फॉर्मेशन कराता है. रिंग एरोमेटिक हो और टूट जाए वो बहुत मुश्किल, बहुत कम होता है कि रिंग टूट जाए. ऐसा भी नहीं होता है कि नहीं टूटता है, टूटता भी है. हाँ, ऐसा भी होता है, कई बार टूटता भी है. ठीक है, तो उसके ऊपर और नहीं जा रहे. मेरे ख्याल से रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. सेकेंड जो टाइप था दैट वॉज फ्रॉम अल्काइंस. ये एक्चुअली इतना टफ आपको नहीं पूछा जाता है पर आइडिया होना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं आप सब IIT और मेडिकल इस तरह का कुछ सपना जरूर देख रहे होंगे. तो मिनिमम JEE अगर फॉर्म भी भरेंगे या नीट का फॉर्म भी भरेंगे तो बेसिक चीज़ें हैं. अगर नीट की बात करूँ मैं, ये सब मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन या IIT एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बेसिक चीज़ें हैं. ये सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है. दिस इज द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल जो आपको दिया जा सकता है. इसके सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं. तो पहले ये बेसिक चीज़ नहीं पता होगा तो इसके सवाल कैसे बनाएंगे आप? तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसलिए आपको पता होनी जरूरी है. तो पहला प्रिपरेशन मेथड मेरे ख्याल से खत्म हो गया. नाउ विल प्रोसीड टू द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम अल्काइल. फ्रॉम अल्काइन. अल्काइन से कैसे आप प्रिपेयर करते हैं देखिए. फ्रॉम अल्काइन से कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. देखिए स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं. रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करनी है जैसे कि आप उसमें क्या ऐड कर सके, हाइड्रोजन ऐड कर सके. तो लिखें मतलब देखें वहां पर दो तरीके का आपको एग्जांपल दिया गया है. एक है बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन्स. तो बाय पार्शियल रिडक्शन मतलब आपने कंप्लीट रिड्यूस नहीं किया, पार्शियली रिड्यूस किया है. पार्शियल रिड्यूस करेंगे तो एल्काइन एल्कीन में बदल के रह जाएगा और कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. सी ट्रिपल बॉन्ड CH ये कंपाउंड है, इसकी आप पार्शियल रिडक्शन करेंगे, इसकी आप पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो पार्शियल रिडक्शन के केस में ये HC डबल बॉन्ड H इधर इधर H जुड़ जाएगा. लेकिन अगर सेम इसी कंपाउंड का आपने कंप्लीट रिडक्शन कर दिया
कंप्लीट रिडक्शन कर दिया तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी एन अनसैचुरेटेड एल्काइन विल कन्वर्ट इनटू एल्केन, वेयर एज पार्शियल करेंगे तो अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ही रह जाएगा, पर एल्काइन विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन, ये यहीं पर रुक जाएगा। तो पार्शियल में क्या होगा, एक ही बॉन्ड टूटेगा, कंप्लीट में क्या होगा, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। तो आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये वाला तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, फ्रॉम एल्काइन से हमने बनाकर देख लिया है कैसे एल्कीन बनता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन करने के लिए देखिए वहां तीन पॉइंट लिखा हुआ है, किस किस चीज को मिलाकर आप पार्शियली रिड्यूस कर सकते हैं। सिस एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ PbBSO4 और CaCO3 पॉइजन्ड विद PbCO3 और लिंडलार्स कैटलिस्ट, या फिर B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF या ईथर प्लस CH3COH। मतलब ये सारे, ऑल नहीं, ये या ये या ये या ये, इनमें से कुछ भी लेकर सिस वाले को आप क्या कर सकते हैं, सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दिस कैन बी कन्वर्टेड टू सिस एल्कीन्स। वेयर एज ट्रांस एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस लिक्विड NH3, और इसको ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज रिडक्शन। तो ब्रिज रिडक्शन भी आपके सिलेबस में है। ब्रिज रिडक्शन क्या करता है, जो एल्काइन है उसको एल्कीन में बदलता है, पर वो कैसा एल्कीन होगा, ट्रांस एल्कीन होगा। ट्रांस एल्कीन जब भी बनेगा, याद रखिएगा वहां पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। जहां पे ब्रिज रिडक्शन लिखा हुआ है ना, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए साइक्लिक इंटरमीडिएट, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर, साइक्लिक इंटरमीडिएट। डन, चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। दो ही रिएक्शन है, फटाफट समझ में आ जाएगा। देखें, यही नीचे लिखा देता हूं। एक है CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसमें आपने डाल दिया PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। क्या डाला, PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। आपको यहां पे मिलेगा R C, यहां पर H लग गया डबल बॉन्ड C R, यहां H लग गया। होता क्या है, इसकी रिएक्शन के साथ आप इसमें क्या जोड़ते हैं, H2 जोड़ते हैं। H2 जोड़ेंगे मतलब ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, और जैसे ही एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव लगेगा तो एक पर H और एक पर H प्लस एक पर H माइनस जुड़ गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अगर PD कार्बन की प्रेजेंस में कराए हैं तो ये बनाता है सिस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म मतलब समझ रहे हैं, अगर इसको मैं ठीक से दिखाऊं तो ये कंप्लीट रिडक्शन वाले को मिटा दूं, तो ये कैसा बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन RH, यहां पर H, यहां पर R और यहां पर H, ये सिस फॉर्म है। वेयर एज सेम कंपाउंड में आपने क्या डाला, सेम कंपाउंड H2 के साथ, पर आपने लिया है सोडियम, सेकंड में क्या है, सोडियम प्लस लिक्विड Na3, Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, ये भी सेम कंपाउंड बनाएगा। RC एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगा, यहां पर भी, यहां पर भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पर दिस टाइम इट इज ट्रांसफॉर्म, दिस टाइम इट इज ट्रांसफॉर्म। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, RC डबल बॉन्ड C, एक तरफ H, इधर R और इधर दिस। तो ट्रांस बनाना है तो क्या यूज करना होगा, और सिस बनाना है तो क्या यूज करना होगा, सिस के लिए और भी बहुत सारे हैं। क्या बोल रहे हैं, सिस एल्कीन आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 डाल दीजिए तो भी क्या बनेगा, सिस। CaCO3 पॉइजन्ड विद PbCO3 तो भी क्या बनेगा, सिस। लिंडलार्स कैटलिस्ट जिसको क्यूनोन बोलते हैं वो भी डालेंगे तो क्या बनेगा, सिस। B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, THF किसको बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, ये भी डालेंगे तो क्या बनेगा, सिस फॉर्म बनेगा। और अलोंग विद इसमें आप क्या डाल सकते हैं, CH3COH, वही यहां पे डाला हुआ है जो आपको रिएक्शन दिया हुआ, वो देखिए CH3 के साथ जो उसने बनाया उसमें क्या डाला, B2H6 प्लस THF, ये कंपाउंड मिला उसमें आपने CH3COH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डाला,
आपको क्या फॉर्म मिल गया, सिस फॉर्म। और जब ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा तो क्या करेंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालेंगे। तो दोनों ही फॉर्म बन सकते थे, एक में सिस फॉर्म बनेगा एक में लिंडलार्स कैटलिस्ट का। देखिए ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, लिंडलार्स कैटलिस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, H2PdCSO4 प्लस सल्फर, लिंडलार्स दिखाई दे रहे हैं। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट भी है और ब्रिज रिडक्शन भी है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्रिज रिडक्शन। तो ब्रिज रिडक्शन हमेशा क्या देता है, ट्रांसफॉर्म। लिंडलार्स क्या देता है, सिस फॉर्म, ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट एल्काइन्स हो गया, अब अल्काइल हलाइड, फ्रॉम अल्काइल हलाइड किस प्रकार से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहां तक रखते हैं, दो रिएक्शन हम लोगों ने देख रखा है। पहला रिएक्शन है जब आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल आप निकाल रहे थे तो एक जगह से आपने OH निकाला, दूसरी तरफ से आपने H निकाला, वाटर वहां से निकाल लिया तो डिहाइड्रेशन हो गया। पर डिहाइड्रेशन करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि अगर रिंग में आप डिहाइड्रेशन करा रहे हैं तो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको एक्सपैंड कर सकें इन ऑर्डर टू रिलीज द एंगल स्ट्रेन, आपको रिंग एक्सपेंशन की तरफ बढ़ना चाहिए, तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड जो आज हमने पढ़ा है दैट इज एल्काइन से कैसे आप प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एल्काइन से क्या करते हैं, सिंपली देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, आपने हाइड्रोजन को ऐड किया। बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनके प्रेजेंस में ये सिस फॉर्म में बदलता है और कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जिसके प्रेजेंस में ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होता है। ट्रांसफॉर्म में ये तभी होगा जब आप ब्रिज रिडक्शन कराएंगे, सिस फॉर्म में होने के बहुत सारे दिए हुए हैं, उसमें वन ऑफ द एग्जांपल है लिंडलार्स कैटलिस्ट, वो जब आप डालेंगे तो ये किस में बन जाएगा, सिस फॉर्म में बन जाएगा। दो और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका रह गया, एक है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और दूसरा है फ्रॉम ब्रिसिनल डाइहैलाइड। मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो पढ़ते हुए हम लोग फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल रिएक्शंस, यूजेस, एल्कीन खत्म हो जाएगा। फिर अगली क्लास में एल्काइन में जाएंगे, एल्काइन में भी सेम करेक्टरिस्टिक्स, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस एंड देन यूजेस, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मुझे जैसा लग रहा है शायद चौथा, पांच, छह, सात, सात या आठ लेक्चर जाते जाते तक में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाना चाहिए। होपफुली बाई 30th मैक्सिमम 30 तक ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने।